नमस्ते। सुबह का 7 बजने जा रहा है और 7 बजे हम लोग हिंदी क्लास 10 का सेकेंड यूनिट टेस्ट का इस पार्ट को करेंगे। आज कथा संचयन कर्मनाशा की हार, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, ये 3 यूनिट टेस्ट है। यहाँ से ये पूरा का पूरा सेकेंड यूनिट टेस्ट का है। द्वितीय पर्याक्रमिक मूल्यांकन 40 नंबर के लिए। चलिए इस पार्ट से एक बड़ा प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न है, कर्मनाशा के अंधविश्वास को तोड़ने में भैरव पांडे की भूमिका का उल्लेख करें। उत्तर इस प्रकार है, कहते हैं ना, जब खुद पर पड़ती है तो लोग बगावत कर बैठते हैं, वरना मजा लेते हैं। यही हाल डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की कहानी कर्मनाशा में भैरव पांडे के साथ हुआ। कहानी में भैरव पांडे द्वारा दो अंधविश्वासों को तोड़ने की घटना देखने को मिलती है। पहली तो ऐसी है जो 5,000 साल से चली आ रही है, जात पात का अंधविश्वास। हालांकि जब यह शुरू हुई होगी तब इसके कोई मायने होंगे, अर्थ होंगे, पर वर्तमान में बोझ सा इस लाश को लोग ढो रहे हैं। हुआ यह कि भैरव पांडे का भाई का गुप्त विवाह किसी मल्लाह लड़की से हो जाना और उसका बच्चा भी हो जाना इनको नागवार होता है। पंडित होकर मल्लाह से शादी, पर अंततः वह इस विवाह को स्वीकार कर लेते हैं। आखिर नकली टिकता भी कितना है असली के सामने। यह सब दूसरी अंधविश्वास के कारण हो पाता है। दरअसल गांव को कर्मनाशा नदी का बढ़ता पानी निगलने को आतुर होता है तो लोगों में जो अंधविश्वास थी कि बिना किसी की बलि लिए यह कर्मनाशा मानेगी नहीं और साथ ही कुजात में शादी और अंतर मिलन से उत्पन्न बच्चा को भी लोग इस आगत अनहोनी का कारण मानकर जब बच्चे और उसकी माँ को पानी में फेंकने को होते हैं तो भैरव पांडे भड़क उठते हैं और दोनों को अपना लेते हैं। बाद में कर्मनाशा का बाण भी स्वयं लौट जाता है। इस तरह लोगों में व्याप्त विश्वास कि कर्मनाशा बिना बलि लिए शांत हो नहीं सकती टूट जाता है। इसमें भैरव पांडे की भूमिका अहम होती है।
इसमें आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बाढ़ को रोकना है तो बांध बनाओ। इस तरह से कर्मनाशा के अंधविश्वास को तोड़ने में भैरव पांडे की भूमिका का उल्लेख करें पूरा हुआ। धन्यवाद।